जय हिंद साथियों। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMD सिक्योरिटी गार्ड AMD ASO का रिजल्ट के बारे में। काफ़ी लोगों का फ्रेंड्स डाउट है रिजल्ट को लेकर के, और काफ़ी दिनों बाद हम जो है वीडियो AMD के ऊपर बना रहे हैं। लगभग यदि हम फ्रेंड्स बता दें तो दो महीने से अधिक हो गया AMD के ऊपर वीडियो बनाते हुए। बट काफ़ी मतलब कि मेरे पास कॉमेंट आ चुके हैं पर्सनल कि भाई बता दो कि AMD सिक्योरिटी गार्ड का रिजल्ट जो है फाइनल कब तक आएगा। ठीक है, और एक बात और भी है फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का ये भी मेरे पास कमेंट आ चुका है कि सर जो है इसमें वैकेंसी तो जो 274 है, ठीक है, वैकेंसी जो है 274 है, बट यहाँ पे जितने भी लोग पास हुए हैं उन लोगों का संख्या 535 है। तो यहाँ पर ऐसा कैसा संभव है कि 274 पोस्ट दिया है और यहाँ पे 535 जो है लोगों को यहाँ पे पास किया गया है। ठीक है, तो इसको लेकर के काफ़ी लोगों का डाउट है और ज्वाइनिंग को भी लेकर के काफ़ी डाउट है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज की वीडियो में आपसे भी को हम क्लियर कर देंगे कि जो 274 AMD सिक्योरिटी गार्ड का जो पोस्ट है ना, और 535 लोगों का पास किया गया, आखिरकार क्यों किया गया है। ठीक है, टोटल चीज़ें का जो भी डाउट है आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और ये भी इसके साथ में बताएंगे कि इसका रिजल्ट जो है कब तक आने की संभावना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि रिजल्ट को लेकर के मतलब आप सभी को हम बता दें कि कोई भी नहीं बता सकता है 100% ट्रू, यानी कि प्रूफ के साथ कोई भी नहीं बता सकता है कि रिजल्ट 2023 में ही जारी होगा। ठीक है, कोई इसका जो है फ्रेंड्स ठीक नहीं है, इसका रिजल्ट 2023 में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। ठीक है, इधर फेस्टिवल चल रहा है, जैसे त्यौहार में जैसे छठ हो गया, दीपावली हो गया, तो जितने भी लोग मतलब होंगे डिपार्टमेंट में सभी लोग तो छुट्टी पे ही होंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के हो सकता है कि रिजल्ट को लेकर के फाइनल रिजल्ट डिले हो सकता है, बट ज़्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर साफ साफ समझ जाइए। ठीक है, और कोई भी यहाँ पर नहीं बता सकता है कि रिजल्ट इस डेट को आएगा। जो भी चीज़ें हैं डिपार्टमेंट की सब बातें हैं, वो सब चीज़ें अंदर रहती है, बाहर कि नहीं होती है। तो आप लोग यहां पे साफ साफ समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि 2023 यानी कि दिसंबर तक रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यदि दिसंबर में रिजल्ट नहीं आया तो फाइनली आप लोगों को बताने की जरूरत है या नहीं, 2024 में फाइनली चला जाएगा। अब 2024 में जनवरी में आया फरवरी में, ये सब चीज़ें फ्रेंड्स हम नहीं बता सकते हैं कन्फर्म कि इस मंथ को जो है रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है या मेरे पास जो है कॉन्टेक्ट भी नहीं है और कोई पूछ भी नहीं सकता है। यदि आप लोग जा करके पूछेंगे तो वो लोग बता देंगे कि हाँ डेटा तैयार हो रहा है या इस मंथ में आएगा, बताएंगे, पर 100% यहाँ पर सच्चाई नहीं बताएंगे कि दिसंबर में बोल देंगे, तो ये मत समझे कि दिसंबर में रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट की जो भी बातें होती है बाहर लीक नहीं होती है, पब्लिश नहीं होती है। तो मेरे दोस्त आप लोग फाइनली अब समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंडा रह गया फ्रेंड्स वैकेंसी को लेकर के कि 274 तो वैकेंसी है और 534 लोगों का यहाँ पर पास किया गया है, इसका रीज़न क्या है। तो मेरे दोस्त आप सभी को बता दें कि AMD सिक्योरिटी गार्ड में जो पिछली वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है, सॉरी 535 लोगों ने पास किया है। ठीक है, जो पिछली वैकेंसी आई हुई थी तो काफ़ी लोगों का वेटिंग में रखा गया था। मान लीजिए एग्जांपल फॉर 274 पोस्ट है और 535 लोगों के यहाँ पे पास आउट किया गया है। हो सकता है किसी रीज़न की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे ज्वाइन ना करें, किसी चीज़ में रह जाएं, ठीक है, और कोई चीज़ें मतलब दिक्कत हो, मतलब हो सकता है कि काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, मेडिकल इशू हो सकता है। ठीक है, यानी कि काफ़ी समय बाद यदि आपका ज्वाइनिंग होगा, रिजल्ट जारी फाइनल किया जाएगा, तो इसमें काफ़ी लोगों का मेडिकल रीज़न हो सकता है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में काफ़ी लोगों का यहाँ पे भगवान ना करे कि किसी का एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो लोग किसी रीज़न की वजह से या कोई मेडिकल इशू हो जाता है बीच में। ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग फिट हैं, और हो सकता है फिट है आगे जा करके मतलब ज्वाइनिंग से पहले कोई इशू आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो AMD का यही फ्रेंड्स रूल है कि पोस्ट से अधिक यहाँ पे जो है लोगों को जो है रखा जाएगा, बट वेटिंग में रखा जाएगा। और यहाँ पे 274 पोस्ट है, 274 लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट एक निकलेगा आप सभी को। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम होगा वो लोग वहाँ पर जा करके ज्वाइन करेंगे। तो यही इसका फंडा है मेरे दोस्त, कोई रीज़न की वजह से काफ़ी लोग जैसे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में उन लोगों का जॉब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का रिटर्न यदि अच्छा है, अपने दम पर निकाले हुए हैं, तो फाइनली वो लोग तो कहीं ना कहीं अपना सेलेक्ट हो ही जाएंगे। तो हो सकता है कि AMD से कहीं अच्छा पोस्ट मिल जाए। ठीक है, AMD से अच्छा पोस्ट मिल गया तो इसको जो है स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे और उसमें अपना ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यही रीज़न है, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पे फंडा नहीं है। जिन लोगों का नंबर अच्छा खासा है उन लोगों का फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और वेटिंग में जो लोग रहेंगे
उन लोगों का यदि कोई ज्वाइन नहीं करता है किसी रीजन या किसी वजह से, तो फाइनली आप लोगों का यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। SSCGD में और भी SSC द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उसका रूल नियम अलग है, उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं निकलता है, या कोई भी स्टेट पुलिस हुए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जब जॉब है, ठीक है। बट AMD में आप सभी को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि इस बार से कहीं चेंज भी कर दे, कोई ठीक नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि चेंज कर दे, वेटिंग लिस्ट ना रखे और जो पोस्ट बच गया वो पोस्ट को अगला वैकेंसी में ऐड करके दे, ये भी हो सकता है मेरे दोस्त। कोई यहाँ पे जो है फ्रेंड्स कोई ठीक नहीं होता है कौन से डिपार्टमेंट कब क्या कर देगा, तो ये सब रीज़न है। और रिजल्ट को लेकर के मेरे पास ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे दोस्त, काफ़ी लोगों का ये जो है कमेंट आ चुका था, इसी की वजह से हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, डॉक्यूमेंट को लेकर के, फादर्स नेम, काफ़ी लोगों का मदर्स नेम में डाउट है, दिक्कत है, तो यहाँ पे कोई भी समस्या आप सभी को नहीं होगा, कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट में आप सभी को फाइनली रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने नज़दीकी सिविल कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेंगे कोई भी यदि रीज़न या कोई दिक्कत है तो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम बता देंगे। यदि आपके पास कोई भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।